श्री शिवाय नमस्ते भीम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं जल्द ही वो दिन आने वाला है जिसका प्रत्येक शिव भक्त बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करता है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि उन महारात्रियों में से एक है जो आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकती है, सौभाग्य में आपके दुर्भाग्य को बदल सकती है, आपके कष्टों को काट सकती है। क्योंकि हमारे शास्त्र में चार महारात्रियों में से एक महारात्रि शिवरात्रि को कहा गया है। जो दूसरी महारात्रि है वो है दिवाली, तीसरी महारात्रि है जन्माष्टमी जिसे हम मोहरात्रि के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सारी बुरी शक्तियां श्री कृष्ण के वशीभूत हो गई थी तो इसीलिए हम जन्माष्टमी को मोहरात्रि भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो आखिरी महारात्रि है वो है होली की रात्रि। तो ये चार महारात्रियों में से एक सबसे बड़ी रात्रि है महाशिवरात्रि। और वर्ष में चार तिथियां मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी दी हैं और ये मैं नहीं बोलती, ये आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे कि यदि महाशिवरात्रि की रात्रि में जो मैं आप लोगों के साथ में छोटे छोटे से कार्य शेयर करने वाली हूँ, जो उपाय शेयर करने वाली हूँ, यदि आप कर देते हो तो आप अगली महाशिवरात्रि तक मुझे अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कहता है। और साथ ही साथ आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं ये तो देखिए मैं नहीं जानती, परंतु जिन भक्तों को मैंने और खुद भी मैंने ये चीज़ें मैं करती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि मैंने आपको बताया महारात्रियों में से एक है, तो शिवरात्रि पर जिन भी भक्तों ने अभी तक इन कार्यों को किया है उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करे हैं और मैं भी जानकर बहुत खुश हुई कि चलिए छोटे छोटे कार्य करने मात्र से, क्योंकि देखिए विश्वास आप मेरे ऊपर मत करिए, विश्वास सिर्फ महादेव पे करिए। क्योंकि मैं केवल देखिए एक मनुष्य मात्र हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बतला सकती हूँ, परंतु उस पर विश्वास करना, आप जो कार्य कर रहे हो ना वो ये सोचिए मत करो कि मैं ये कार्य कर रही हूँ इससे मुझे ये प्राप्ति होगी। आप केवल महादेव पे विश्वास करके करिए कि महादेव ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरा कार्य करना सिर्फ आपका कार्य है। तो मैं आप लोगों के साथ में जो सबसे पहला कार्य है वो आप लोगों को शेयर कर रही हूं। परंतु देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये पूरी रात्रि बहुत जागृत रात्रियों में से एक मानी जाती है। जिसने साधना कर ली उसने सभी मनोकामना जो है या जो भी आप चाहते हैं वह आप पा जाओगे, ये एक मेरी गारंटी आप मान लीजिए या एक ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव आप मान लीजिए। क्योंकि ये कार्य मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और कुछ स्क्रीनशॉट होंगे मेरे पास में तो मैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर जरूर करूंगी कि क्या क्या लोगों के अनुभव रहे हैं। तो जो आज के दिन जो सबसे पहला काम होता है, क्योंकि बहुत विशेष दिन माना जाता है, इस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना ही करना है। अब पार्थिव शिवलिंग को लेकर प्रश्न आ रहे थे, दीदी सुबह बनाना है शाम को बनाना है? तो यदि आप शाम के समय में एक ही पहर की पूजा करते हो तो आप शाम को पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, परंतु शिवलिंग का विसर्जन सुबह किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और रात्रि जागरण करना आपको जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो शाम के समय में यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो कैसे पूजा करनी है वो विधि तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। चार पहर की पूजा विधि मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत शेयर कर दूंगी, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। विसर्जन सुबह ही होता है यदि आपने शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन किया है शिवरात्रि के दिन में, ठीक है? तो सबसे पहला कार्य है, आप पीपल वृक्ष की मिट्टी ला सकते हैं, आप किसी नदी तालाब की मिट्टी ला सकते हैं, आप बेल वृक्ष की मिट्टी ला सकते हैं, या कोई भी साफ सुथरी मिट्टी को लाकर छान कर उसमें गंगा जल मिलाकर पंचामृत थोड़ा सा घी जरूर मिला लीजिएगा, उसको बिल्कुल आटे जैसा सॉफ्ट आप गूंथ लीजिएगा। यहां पर मैं पूजा विधि भी आप लोगों के साथ में आगे जरूर शेयर करूंगी। ये वीडियो में आप जिस तरह से देख पा रहे हो वैसे ही आपको करना है। आपने शिवलिंग वगैरह बना लिए, सब कुछ कर लिया, अब शिवलिंग बनाने के बाद क्या करना है वो आगे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए शाम को शिवलिंग का आप निर्माण कर लीजिएगा या आप थोड़ी देर पहले भी कर सकते हैं, पर जब भी शिवलिंग बनाओ ना उसके ऊपर आप चावल के दाने या कुछ पूजन सामग्री छोड़ दें, नहीं तो कहा जाता है कि इंद्रदेव आपसे पहले उनका पूजन कर देते हैं। और एक दिन आपको ध्यान रखना है, इस दिन पूरा यदि आप व्रत करते हो तो भी और व्रत नहीं कर रहे हो तो भी, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि भूखे प्यासे रह के आप मेरी आराधना करो। यदि व्रत करते हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, परंतु यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो फिर आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जल वगैरह, फ्रूट वगैरह, चाय दूध कुछ ग्रहण कर सकते हो। क्या खाना है उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे जरूर शेयर करूंगी। पर इस दिन भूल से भी आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा कुछ भक्त मार्केट से चीजें ले आते हैं जिसमें कई बार हमें नहीं पता होता कि क्या चीजें मिली हुई है, तो जो घर का शुद्ध सात्विक हो वही ग्रहण करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस दिन से आप मासिक शिवरात्रि का व्रत भी उठा सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रदोष अलग होती है और मासिक शिवरात्रि अलग होती है, तो जो 8 मार्च के दिन हमें प्राप्ति हो रही है वो दोनों तिथियों की प्राप्ति हो रही है। त्रयोदशी यानी प्रदोष भी उसी दिन मिल रही है आपको, शुक्र प्रदोष, और जो मासिक शिवरात्रि जिसे हम यदि कुछ भक्त व्रत उठाना चाहते हैं तो वो आज ही के दिन से संकल्प लेकर अपना नाम गोत्र हाथ में पुष्पक्षत लेते हुए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन से उठा सकते हैं। तो त्रयोदशी तो माह में 2 बार आती है और जो शिवरात्रि है वो माह में 1 ही बार आती है, तो यदि शिवरात्रि व्रत उठाना चाहे तो इसी शिवरात्रि से आप उठाएंगे, ठीक है? ये भी जानकारी हो गई। चार पहर का पूजन का समय भी मैं आप लोग के साथ में स्क्रीन पर डाल दूंगी तो वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
अब आपको 8 मार्च के दिन दोनों ही व्रत प्राप्त हो रहे हैं, त्रयोदशी का भी और शिवरात्रि का भी, ठीक है। तो आप 8 मार्च के दिन आपको ये व्रत करने हैं। अब कुछ प्रश्न ये आएंगे, दीदी पहले पहर का पूजन हमने कर लिया उसके बाद कुछ खा सकते हैं क्या? तो यदि आपसे देखिए नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि मैं मेरी बात करूं, मैंने बताया ना आपको क्योंकि साधना में बहुत ज्यादा शक्ति है, तो मैं जब तक मेरा 4 पहर का पूजन नहीं हो जाता अगले दिन ही मैं पारण करती हूं, जब तक मैं अपने 4 पहर का पूजन ना कर लूं। और 4 पहर की पूजन की जो विधि होती है, पहले पहर में आपने जो पूजन करा, जो सामग्री चढ़ाई, उसी के ऊपर ही आपको दूसरे पहर में थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, पंचामृत हल्का सा डाल दीजिए, जल वगैरह छिड़क के उसी सामग्री पे और सामग्री चढ़ा दी जाती है। मतलब पुरानी सामग्री को उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार आपने स्थापना कर दी वो चीजें एज इट इज रहेगी। जो अखंड दिया जलाया है वो जलता रहेगा। पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, उसके लिए मत परेशान होइएगा, या केवल मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रही हूं। अब बारी आती है कौन से ऐसे महा उपाय आज के दिन हमें पार्थिव शिवलिंग पर करने हैं। यकीन मानिएगा, इन उपायों को यदि आप आज की रात्रि में करेंगे, चारों पहरा पूजन करेंगे, तो आपको उसका परिणाम अगली शिवरात्रि से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है विवाह को लेकर। यदि आप विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कुछ ग्रह दोष चल रहे हैं, या जो भी आपकी अड़चने आ रही है विवाह को लेकर, तो आपको करना क्या है, 1.25 लीटर कच्चा गाय का दूध ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि दीदी भैंस का लें या फ्रिज का पुराना दूध है या पैकेट वाला दूध आता है। दूध आपको 1.25 लीटर गाय का शुद्ध सात्विक दूध लेना है। अब गाय का नहीं मिल पाता है तो फिर आप भैंस का दूध लीजिए, परंतु ताज़ा दूध लीजिएगा, ठीक है। 4 पहर में इस 1.25 लीटर दूध में जब आप पूजन करेंगे ना, थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा, ठीक है। केसर आपने मिला लिया, 4 पहर आपको इस 1.25 लीटर दूध से, मतलब 1.25 लीटर दूध को आपको 4 पहर में थोड़ा थोड़ा करके समाप्त करना है। समझ में आया? यानी 1.25 लीटर दूध 4 पहर में खत्म हो जाना चाहिए। 4 हिस्से कर लीजिएगा दूध के, केसर जरूर मिला लीजिएगा। और आपको यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, एक पाठ आपको पढ़ना है 51 बार जय 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 गिरिराज किशोरी करके, ठीक है। और वो पाठ यदि आप नहीं कर पाते हो तो ओम उमा महेश्वराय नमः का आप माला का जाप कर लीजिएगा, 10 माला 11 माला, क्योंकि रात्रि भर आपको यह पूजन अवश्य रूप से करना है। अब एक कमेंट मेरे पास आया था, बहुत अच्छा कमेंट है, मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए जानकारी शेयर कर रही हूँ कि दीदी एक पहर की पूजा यदि 1-1.5 घंटे में हो जाती है, उसके बाद हम क्या करें, क्या पूरे 3 पहर, मतलब जब तक 4 पहर नहीं हो जाते क्या पूरा समय पूजा करते रहना है? तो देखिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। आपने पूजा कर दी, आपने अपना पाठ कर लिया, थोड़ी देर आप फ्री हैं तो आप भगवान का कोई जाप कर लीजिए, कुछ कुछ कर लीजिए कार्य, मतलब बस कुल मिला के बात ये होती है आप भगवान का भजन करें, आपको सोना नहीं होता। और आखिरी पहर में जब आप पूजन करते हो, भगवान की आरती करके उठते हो, तो वो नहा के करनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा कार्य, यदि आप कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके ऊपर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, तब जो दूसरा कार्य है आपको करना है, 1.25 लीटर गन्ने के रस से आपको भगवान का 4 पहर में अभिषेक करना है, ठीक है। यानी कि 1.25 लीटर गन्ने के जो जूस को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा और 1-1 पहर में आप अभिषेक कर लीजिएगा। और उस जब आप अभिषेक करेंगे उसके बाद 5-5 कमलगट्टे चारों पहर में आपको चढ़ाने हैं। यानी 1 पहर में 5 कमलगट्टे चढ़ा दिए, दूसरे में, तीसरे में और फिर चौथे में। इस तरह से कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह उपाय किया जाता है। क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का इतना ज़्यादा महत्व है कि माता पार्वती ने ना शिवजी को पाने के लिए मिट्टी के शिवलिंग का रोज पूजन वो किया करती थी, तो उन्होंने शिव की प्राप्ति कर ली। हमारी तो समस्याएं कुछ भी नहीं है माता पार्वती के सामने, उन्होंने इतनी कठिन परीक्षाएं दी हैं भगवान के लिए। अब जो अन्य कार्य, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग बने हुए, रोगों की बहुत ही ज़्यादा समस्या, परेशान हो गए हो, एक बीमारी सही नहीं होती कि दूसरी हो जाती है, तो जब आप शिवलिंग का निर्माण करके ना, आपको जो पूजन आपको करना है 4 पहर में, आप अभिषेक पूजन के समय पर ना आप महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करते रहेंगे। 4 पहर में आपको पूजन कर लेना है। और जो भी व्यक्ति है जो बीमार चल रहा है, जल के अंदर थोड़ी सी कुशा मिलाइएगा, ठीक है। जल के अंदर थोड़ी सी कुशा मिला के उस जल से आप महादेव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते रहें। जब आपका अभिषेक हो जाए उसके बाद 5 काली मिर्ची जो रोगी व्यक्ति है उस पे से भगवान को आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपके घर में जो भी रोग वगैरह जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में जो पति पत्नी में साल शादी हुई तो बहुत अच्छा रहा, 2 साल शादी के बाद बहुत अच्छा रहा, परंतु अब कलेश रहता है, आपस में बनी नहीं रही है, पूरा समय किटकिट किटकिट चलती रहती है, तो उनको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। शिव और पार्वती जी का गठबंधन किया जाता है आज के दिन, तो गठबंधन जरूर करिए आप। और कैसे गठबंधन करना है उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूंगी, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं गठबंधन जरूर शेयर करूंगी। और आज के दिन एक सबसे विशेष कार्य, माता पार्वती को सुहागन महिला ने 5 कोई भी आप श्रृंगार की वस्तुएं ले आइए, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, जो भी चीजें आती है श्रृंगार की जो माता को चढ़ाई जाती है, बिंदी हो गई, बिछिया हो गई, पायल हो गई, चुनरी हो गई लाल, वो आप 5 वस्तु जरूर चढ़ाएं। और जो सिंदूर होता है, ऑरेंज सिंदूर होता है ना जिससे मांग भरी जाती है, उससे माता की मांग आप जरूर भरें माँ गौरा की, और उंगली में जो सिंदूर बच जाता है उसे अपनी आप मांग में लगाएं। देखिए आपके जीवन में आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा माँ गौरा का। और रात्रि जागरण आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जागृत रात्रि है, तो इसलिए जागरण तो हमें करना ही करना है। अब जो लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं,
बहुत परेशान है, किराए के घर में रह रहे हैं, खुद का घर का निर्माण करना चाहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। आज के दिन किसी भी शिव मंदिर में यदि बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है कोई भी आसपास शिव मंदिर है, वहां जाके कुछ ना कुछ दान जरूर करके आए अपने सामर्थ्य के अनुसार। चाहे आप कोई भी पैर पोछने का मैट दान कर दीजिए, झाड़ू लगाने के लिए कुछ भी छोटी से छोटी चीज का दान, आपको लगता है मंदिर में स्थिति की समस्या है, या कोई दक्षिणा आप दान करके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ मंदिर के अंदर आप थोड़ी सी दान राशि जरूर देकर आइए। दान राशि नहीं तो मंदिर में कुछ भी सामान दे आइए, आपके ये इस चीज का मतलब यूज हो जाएगा, घी का कोई डब्बा हो गया जहां पे आरती होती होगी मंदिर में, तो मतलब मंदिर में अपने घर से कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जाना चाहिए आज के दिन, यदि आप अपना घर बनवाने के बारे में सोच रहे हो। और आज के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए आप, क्योंकि आज के दिन फलाहारी चीजें चढ़ती हैं भगवान को, तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हो, आप मखाने की खीर बना सकते हो, उसका भोग लगा के उसका आप थोड़ा सा दान कर दीजिए, ठीक है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, मैं ये नहीं बोलती कि 10-15 किलो आप खीर बनाओ या 1-2 लीटर की आप खीर बनाओ, थोड़ी सी बनाकर दान कर दीजिए। बस कहने का अर्थ है आज के दिन मंदिर में या फिर थोड़ी सी आप खीर का भोग जो आप दान करना है वो करेंगे, और मंदिर में कुछ ना कुछ आप भेंट जरूर कर कर आएंगे, ठीक है। और जिन व्यक्तियों को नौकरी में प्रमोशन चाहिए, सरकारी नौकरी में यदि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या प्रमोशन नहीं मिल रहा है या विदेश जाना चाह रहे हैं, मतलब नौकरी संबंधी यदि कोई समस्या है, तो आज के दिन पीतल की जो घंटी होती है या मंदिर में आप बड़े घंटे का भी दान कर सकते हो, जो यदि आपका देखिए सामर्थ्य है, घंटा जो मंदिर में हम जाते हैं और मुख्य द्वार पर लगा होता है बजाते हैं, जो मंदिर की घंटी होती है, आप पीतल की घंटी का भी दान करके आ सकते हैं, आपको इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ भक्तों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, अक्सर आप कुंडली दिखाते होंगे तो वो आपको बोलते होंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो ऐसे में तांबे का या चांदी का आप नागनागिन का जोड़ा ले लीजिए, उसे महादेव के शिवलिंग के पास में रखते उसका विधि विधान से पूजन अर्चन कर लीजिए, अभिषेक कर दीजिए, मतलब दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक करके उनका पूजन करके उसको बहते हुए जल में, रुके जल में नहीं बोल रही मैं, किसी तालाब या झील में नहीं बोल रही, जो बहता हुआ जल होता है उसमें आप प्रभावित कर दीजिए, ठीक है, इससे आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। और जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं या फिर यदि आप अक्सर देखते होंगे ना कुछ काम किया आपने यश चला गया किसी और को, तो जिनको नाम यश और राजनीति क्षेत्र में प्रगति चाहिए उन व्यक्तियों को आज के दिन एक कार्य विशेष रूप से करना, और ये तो प्रत्येक व्यक्ति को ही करना है, एक राम नाम का झंडा ले लीजिए, सुंदर सा मार्केट में मिली जाते हैं, राम नाम का झंडा किसी अच्छी बड़ी थोड़ी सी लकड़ी जिससे झंडा आराम से लहराए, उसे मंदिर के ऊपर आप लगवा दीजिए, वो झंडा जैसे जैसे लहरता जाएगा वैसे वैसे आपके नाम और यश में वृद्धि होती जाएगी। जो राजनीति क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट में आगे जाना चाहते हैं, मतलब जिस व्यक्ति को अपना नाम चाहिए कि मेरा बहुत नाम हो, चारों तरफ मेरे नाम का डंका बज जाए, तो उस व्यक्ति को ये कार्य आज के दिन अवश्य रूप से करना ही करना है। अब बारी आती है जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति चाहिए, उनकी संतान नहीं हो रही है, तो आज के दिन शिवलिंग पर किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जोड़े से दूध से आप अभिषेक करें, थोड़ा सा दूध लेकर जाएं सच्ची भक्ति भाव से कि हे प्रभु ये दूध से मैं आपका अभिषेक कर रही हूँ, उसके बाद में एक लाल रंग का यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमल का नहीं मिल रहा है तो गुलाब के फूल में अच्छे से आप इत्र लगाकर वो चढ़ाकर आइए, और भगवान से कामना करते आइए, जिस तरह से फूल महक रहा है इत्र से उसी प्रकार हमारा जीवन संतान से जरूर महके, तो आपको ये उपाय सुंदर सा संतान प्राप्ति के लिए जरूर करना है। तो बहुत छोटे छोटे से देखिए कार्य हैं, और इस रात्रि में जागरण का बहुत विशेष महत्व है, मैं आपको बार बार कहूंगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे साधारण सा एक शिवलिंग बनाइए, उसका अभिषेक करिए, चारों पहर में उसका पूजन करके सुबह उसका विसर्जन करिए, आप खुद देखोगे आपको बहुत चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैंने करा है इसलिए मैं जानती हूँ, और कुछ लोगों के आपके साथ में मैं क्या अनुभव रहे वो भी जरूर शेयर करूंगी, परंतु सच्चा हृदय से मेरी बात मानते हुए यदि आप मेरी थोड़ी भी बात मानते हैं तो आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आप महादेव पे विश्वास करके इस कार्य को करिए। तो आशा करती हूँ आप भी अपने अनुभव जरूर मेरे साथ शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।